नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आपके लिए लाता रहता हूँ खेती किसानी से जुड़ी जानकारी, जिसमें मंडी भाव भी रहता है शामिल। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। यह वीडियो प्याज वाले किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं प्याज के मामले में हर एक अपडेट आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। वहीं आज हम बात करेंगे कि जिन किसानों के पास अभी भी प्याज रखा है और जो प्लांट बना के जिन किसानों ने रखा है, या फिर जिन किसानों ने कट्टों में जो है अपने प्याज को भर के रखा है, तो वह 20 से 25 दिन जो आने वाला समय है अपने लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि प्याज का जो भविष्य है इस बार बहुत सुनहरा होने वाला है। और किसान भाइयों, जो आप अभी न्यूज़ सुन रहे हैं कि सरकार कुछ आयात कर रही है, निर्यात कर रही है, तो ये सारी जो बातें हैं ये सब झूठी खबरें हैं, फैलाई जा रही हैं। गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जिससे किसान भाई को डायरेक्टली इसका जो है नुकसान हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 15 से 17% प्याज अभी किसानों के पास रखा है, बस उसी प्याज के आधार पर जो है आगामी भाव को हम डिसाइड करेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका ओनियन प्लांट अभी बनाया हुआ है या फिर आपने कट्टों में प्याज भर कर रखा है, तो उसको थोड़ा सा आप सेफ्टी से कैसे रख सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। किसान भाइयों, यदि हमारी यह जानकारी, हमारा यह प्रयास किसान हित में अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमें क्या क्या सुधार इसमें करना चाहिए। तो चलिए, हम आपका समय थोड़ा नहीं लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आज की हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि आपने अगर ओनियन प्लांट बना रखा है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि उसमें कीड़े व फफूंद तो नहीं लग रहे हैं। यदि यह शिकायत आ रही है, तो आप जो है फिनाइल या क्लोरीन का सहारा ले सकते हैं। फिनाइल की गोली को मार्केट से हम अवेलेबल करवा के जो है अपने ओनियन प्लांट में जो है उसको लगा सकते हैं, बिखेर सकते हैं, और जो पंखे रहते हैं उसमें अपन उसको डाल सकते हैं। तो वो डालना कितनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको 100-150 क्विंटल का अगर आपके पास ओनियन प्लांट है, तो करीबन 2.5 से 3 किलो की जो है फिनाइल गोली लगेगी। वहीं अगर आपका सेट बड़ा है, 500 से 1000 क्विंटल का है, तो करीबन उसमें लगेगी अपने को 15 से 17 किलो। तो यह जो है कैसे अपने को डालना है, क्या है, तो इसके लिए मैंने आप पहले मेरे YouTube चैनल पर वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाके वो वीडियो जरूर देख ले किस आधार पर अपने को ये क्लोरीन डालना है। वहीं दोस्तों, दूसरी बात यहां पर क्लाइमेट सेट करना है अपने को। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां रहती है कि जो वातावरण है अपने सेट का, वो अपने को बिल्कुल भी परफेक्ट रखना है। उसके लिए मैंने भी एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब हम बरसात की हवा सेट में जाने से रोकते हैं, तो वहाँ से अपने प्याज की जो आगे की कंडीशन रहती है वह निर्धारित होती है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोक सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, यदि आपके इधर कहीं कहीं बरसात हो रही है या नहीं हो रही है, तो अभी अपने को क्लाइमेट पूरा सेट करके रखना है, अपने को जो बाहर की हवा अंदर सेट में नहीं जाने देना है। और तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अब पंखे की जो कंडीशन है वो कम कर देना है अपने को। पंखे जो है कम चलाना है थोड़ा, मतलब रात रात को उसको चलाना है, करीबन 10-11 बजे बाद ही अपने को पंखा चालू करना है, क्योंकि पंखा अगर लगातार अब चलेगा तो प्याज में कहीं ना कहीं थोड़ा सूखने की समस्या ज़्यादा आ सकती है। वहीं दोस्तों, फफूंद व कीड़ों के लिए फिनाइल जो है पाउडर भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिनाइल गोली बेटर रहेगी, क्योंकि वह जो है अपना वर्क बहुत अच्छे से करती हैं। तो आप फिनाइल गोली को ला सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और अपने प्याज के प्लांट में डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बात का हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब उगने वाले जो प्याज है, आपने देखा होगा अपने प्याज में कहीं कहीं प्याज उगने की समस्या आ जाती है, कहीं थोड़ा सा बीज की क्वालिटी अगर थोड़ी सी हल्की होती है, तो बहुत से किसान भाइयों की ये समस्या रहती है कि हमारा प्याज जो है सेट में उगने लग चुका है। क्योंकि दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अप्रैल से निकाला हुआ प्याज अभी अगस्त और सितंबर तक अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप उसके लिए दोस्तों, प्याज की प्लांट पे ऊपर से जितने भी प्याज अपने उगे हुए हैं या जिनका प्याज का अंकुरण हो चुका है, वह प्याज मेरे हिसाब से तो पूरे लगभग ख़राब हो चुके होते हैं, क्योंकि उगने की समस्या उनमें आ जाती है, तो उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं रहती है। तो आप उन प्याज को निकाल कर अलग रख दें, वहाँ से प्याज सेट से उन प्याज को हटा दें। वहीं दोस्तों, बरसात से अपने को इस प्याज को बचाना है अभी, क्योंकि जो है बरसात कहीं कहीं हो रही है और कहीं नहीं हो रही है, तो अपने को जो है
हवा जो है बिल्कुल भी प्याज प्लांट में नहीं जाने देना है। और एक और बात का विशेष किसान भाइयों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब ओनियन प्लांट अपनों ने बनाया है तो वह कहीं चोक तो नहीं हो गया है, या फिर अंदर से जब हवा ऊपर की ओर उठती है तो वो हमें चेक करते रहना है। उसके लिए आपको प्याज के जो प्लांट रहेगा उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वहाँ उस पर थोड़ी सी प्याज को खोद के देखना पड़ेगा अपने को कि क्या कंडीशन यहाँ पर बन रही है, कि यदि चोक हुआ हुआ तो अपने को फिर प्याज को दूसरी जगह शिफ्ट करना जरूर हो जाता है, क्योंकि प्याज खराब होने के कंडीशन 99% हो जाते हैं यदि प्याज प्लांट जो चोक होता है तो। हालांकि 99% यह कंडीशन नहीं बनती है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ये समस्या आ जाती है। उसके बाद दोस्तों कट्टों में जिन किसान भाइयों ने अपने प्याज को स्टोरेज कर रखा है और कट्टे भर के जमा रखे हैं, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जो कट्टों में प्याज रखे हैं वहाँ पर अगर आपकी समस्या आ रही है कि उसमें भी फफूंद देखने को मिल रही है या फिर कार्बन वगैरह की समस्या आ रही है, तो आप उसमें फिनाइल की गोली ज़रूर डालें। फिनाइल की गोली जो कट्टों में अगर आप डालोगे तो एक गोली नीचे की साइड में और एक गोली जो ऊपर थोड़ा सा बीच से ऊपर वहाँ पर आप सेट कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि हाँ इस कट्टे में ज़्यादा प्याज खराब होने की चांसेस लग रहे हैं या फिर कोई बदबू वगैरह आ रही है, तो आप उन प्याज को खाली कर दीजिए और वहाँ से जो सड़ा हुआ प्याज है उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कट्टों में जो प्याज रखा होता है जो बीच वाले प्याज पर हवा बिल्कुल भी नहीं जाती है तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं खराब होने के। तो किसान भाइयों यह सावधानी रख के आप जो है कट्टों में भी प्याज अपना सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों प्याज का जो रेट है वो बिल्कुल भी बढ़ोतरी की कगार पे है यहाँ पर, और दोस्तों इतना अपनों ने प्याज स्टोरेज किया है इतने समय के लिए, तो आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए और जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक हमें प्याज के जो है अच्छे से अच्छे भाव मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों ये जानकारी आज मेरे को देना महत्वपूर्ण मैं समझता था, क्योंकि बहुत से किसानों की समस्या रहती है कि वह अंत समय तक तो रोकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके फिर वो नहीं रोक पाते हैं और मंडी तक प्याज को लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों घबराना नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को कंसल्ट करना है यहाँ पर कि इस प्रकार से हम इतना अगर प्याज अपनों ने रोक रखा है तो थोड़े दिन और रोक के हम अच्छे से अच्छा भाव ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों नासिक प्याज की कोई उम्मीद नहीं है, 2.5 महीने तक प्याज जो है मार्केट में नहीं आने वाला है, तो कहीं ना कहीं हमें देसी प्याज की डिमांड जरूर देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों मिलते हैं मंडी से सीधे लाइव, मैं आपके लिए जाता रहता हूँ डेली मंडी भाव और सीधे मंडी से जानकारियाँ अपडेट आपको वहाँ से मैं देता रहता हूँ। तो मिलते हैं 11 से 12 के बीच में सीधे मंडी से। जय हिंद, वंदे मातरम।